लोन की तलाश कर रहे हो तो DMI फाइनेंस एक ऐसी लेंडर है जो आपको 2 लाख रुपए तक का लोन, वो भी दोस्तों कम ब्याज के साथ और इंस्टेंट मोबाइल फोन से दे देगा। आज मैं आपको बताऊंगा DMI फाइनेंस में लोन कैसे अप्लाई करना है, कितना लोन देता है, कितने दिन के लिए देता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है इधर, और क्या सिविल स्कोर होना चाहिए, क्या एज होना चाहिए, पूरी जानकारी। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ, 2 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर DMI फाइनेंस देता है। तो आपको आज मैं DMI फाइनेंस में लोन अप्लाई करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको लोन से जुड़ी जानकारी रोज़ाना देता रहता हूँ। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी सभी वीडियो का अपडेट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को प्यारा से एक लाइक कर दीजिएगा, आपकी एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें काम करने में और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने में। वीडियो के नीचे कमेंट में बता दीजिएगा आपको कोई भी लोन अमाउंट की ज़रूरत है तो ज़रूर हमें सजेस्ट करिएगा ताकि आपकी ज़रूरत के हिसाब से हम वीडियो ला सकें। दोस्तों DMI फाइनेंस एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अगर प्ले स्टोर की रिव्यू करें थोड़ा सा, यहाँ पर 10 लाख डाउनलोड्स है और 4.2 की रेटिंग्स है। एप्लीकेशन आपको यहाँ पर लोन देता है अप टू 2 लाख रुपीज़ तक का। सिंपली आप यहां से 2 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन अप्लाई कर सकते हैं और पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। यहां पर चलेंगे, यहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है वगैरह सब सारी जानकारी मैं मैं आपको आपको दे एक ब्लॉग बता रहा हूँ, यहाँ पर ब्लॉग में भी ना अच्छे से ब्लॉग पढ़ के आप कोई भी लोन पा सकते हो, तुरंत इंस्टेंट अप्रूवल पा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर ब्लॉग का यहाँ पर बता दे रहा हूँ, फोन का लोन डॉट इन, ये काफ़ी अच्छा ब्लॉग है। फोन का लोन डॉट इन आप ज़रूर अपने ब्राउजर से विजिट कर लेना और यहाँ से ना ब्लॉग पढ़ के भी आप कोई भी NBFC में लोन अप्लाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो एक बार आप लोग विजिट ज़रूर कर लेना, 3 डॉट पर क्लिक करके कोई भी लोन अमाउंट यहाँ से सर्च करें तो आप यहाँ से ब्लॉग पढ़ सकते हो और ब्लॉग पढ़ के लोन अप्लाई कर सकते हो। तो 10 हज़ार रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक का भी लोन प्रोवाइड करता है यहाँ पर DMI फाइनेंस। 6 महीने से लेके 60 महीने के लिए यहाँ पर 10 ईयर रख सकते हो, समय मिल जाता है। 12% से लेके 40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जा सकता है। मान लीजिए एग्जाम्पल अगर बताओ, 50 हज़ार का लोन आपने DMI फाइनेंस से अप्लाई कर रहे हो तो 12 महीने के लिए अगर ले रहे हो इस 50 हज़ार रुपये को, इंटरेस्ट रेट जिसमें 22% लगता है, तो 4680 रुपीज़ आपका EMI बनता है। 4680 रुपये करके 12 मंथ, आपको टोटल 50 हज़ार रुपये रिपेमेंट करना पड़ेगा। प्रिंसिपल आपका यहाँ पर 6160 रुपये, तो आपको खाते में दे रहा है दोस्तों यहाँ पर 48820 रुपीज़ टोटल आपको रिपेमेंट करना पड़ रहा है 12 महीने में, मतलब एक साल में 56160 रुपये। 56160 रुपये टोटल आपको रिपेमेंट करना पड़ रहा है और आपको खाते में दे रहा है 48820 रुपीज़। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी बताऊँगा। DMI फाइनेंस एक RBI रेगुलेटेड सर्टिफाइड है और एक लेंडिंग है। DMI फाइनेंस पर्सनल लोन्स आर फुली रेगुलेटेड और लीगली कंप्लेंट विद द पॉलिसीज ऑफ RBI, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एड्रेस, सारा फ़ोन नंबर मिल जाता है कंपनी का, कस्टमर केयर DMIfinance.in ईमेल आईडी है और ये पैन इंडिया रजिस्टर्ड है, पैन इंडिया सर्विस है। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है मैं आपको बताता हूँ। आपका यहाँ पर KYC डॉक्यूमेंट्स लगेगा और KYC लगता है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के तौर पे, आधार पैन कार्ड दोनों चीज़ दे सकते हो आप और इस लोन को आप अवेल करा सकते हो। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लूँगा, ओपन करने के साथ साथ आपको मोबाइल नंबर से रजिस्टर। तो यहाँ पर आप वेबसाइट में जाके भी DMI फाइनेंस की यहाँ से भी पर्सनल लोन की सारी जानकारी पा सकते हो और यहाँ से भी लोन को आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ से आप अप्लाई नहीं होगा तो यहाँ पर सारी जानकारी आप पा सकते हो। क्या EMI कैलकुलेटर आपको मिल जाता है जिसमें आप अपने जो भी लोन होगा उसको आप अच्छे से निकाल सकते हो कि कितना आपका EMI पड़ रहा है। तो 100% डिजिटली प्रोसेस होता है ये और एट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट, इंस्टेंट डिस्पोजल होता है, बहुत ही बढ़िया है। पैन इंडिया सर्विस है, आपको पैन नंबर देना है, आपको यहाँ पर लोन ऑफर और वेरीफाई योर सेल्फ करना है, मतलब आपको यहाँ पर आधार KYC करना है, साथ में पैन कार्ड और आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको फ्लेक्सिबल टेन्योर देखने को मिल जाता है, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, जितने भी आपको लोन आप ले रहे हो उसके हिसाब से आप टेन्योर सेट कर सकते हो।
तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया डीएमआई फाइनेंस कंपनी है। आप जाके प्ले स्टोर से इसका एप्लीकेशन इंस्टॉल करके पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इस समय क्या प्रॉब्लम होगा आपके साथ, मैं बता दे रहा हूँ, न्यू कस्टमर्स को ये रजिस्टर्ड नहीं कर रहा है अभी। तो अगर आप एक न्यू कस्टमर्स हो तो जाके डीएमआई फाइनेंस में रुक जाना कुछ दिन के लिए, इनकी सर्विस अभी बंद है, पर्सनल लोन अभी ये दिया नहीं जा रहा है, ओल्ड कस्टमर्स को ही प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप ओल्ड कस्टमर्स पहले ही अकाउंट क्रिएट किया था कभी भी डीएमआई फाइनेंस में, तो जाके शायद आपको आपका लोन यहाँ पर एप्लीकेशंस आप सबमिट कर पाओ। लेकिन दोस्तों न्यू कस्टमर्स को अभी डीएमआई फाइनेंस रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहा है, तो इसके लिए बैड न्यूज़ है। बस मैंने आपको इस वीडियो का बनाने का मतलब है, आप लोगों को मैंने डीएमआई फाइनेंस की नॉलेज दिया कि एक अच्छी एनबीएफसी है, यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। गूगल पे में भी जो लोन प्रोवाइड करता है वो डीएमआई फाइनेंस करता है, तो गूगल पे में भी अगर आपको आपने कभी लोन अप्लाई करने की सोचा तो वो डीएमआई फाइनेंस ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो शायद इतने सारे उनके कस्टमर्स अभी बढ़ गया है तो जिसके कारण वो न्यू यूज़र्स को रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, तो आपके लिए बैड न्यूज़। लेकिन मैंने आपको जानकारी दे दिया कि एक अच्छी एनबीएफसी, यहाँ से आप 5 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही लोन से जुड़ी वीडियोस और रिव्यूज़ मैं करता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और इस वीडियो को प्यार से एक लाइक कर देना, और कमेंट में बताइए आपको कितनी लोन की ज़रूरत है और कैसा वीडियो देखना पसंद करते हो आप, कौन सी एनबीएफसी को वीडियो देना पसंद करते हो। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।